कहाँ हो भाई? तो फूफो के पीछे फिरती रहती हो, हमें तो नजर ही नहीं आती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई, ऐसी कोई बात हो भी ना, अम्मी को बहुत बुरा लग रहा है। कैसी बात? तुम क्या कहना चाह रही हो? अम्मी ने मुझे कुछ बताया था क्या? जो तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। इतनी चलाको मासी हो, मैं तुमसे पूछती रह गई कि वो कौन है, और तुमने मुझे तो बताया ही नहीं कि वो तो हमारा अपना मुनीब है। मायरा, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे भी पसंद नहीं है जो तुम मुझसे छुपाती हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ नहीं बोलो। उसने नहीं तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें घुमाने ले जाएगा, हीरों के तख्त पे बिठाएगा? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे अम्मी ने खुद बताया। अच्छा, अगर मैंने तुमसे छुपाया है तो तुम भी तो उससे छुप छुप कर मिलती हो। अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम! क्यों, तुम उसके साथ गई नहीं थी घूमने स्टोर के बहाने? यार मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब कि चपिंगे के साथ घूमूंगी मैं? तो तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है? अरे कुछ नहीं है, लिख के दूं क्या? तो फिर तुम लोग ऐसे शो क्यों करते हो जैसे कुछ छुपा रहे हो? अगर हम कुछ छुपा भी रहे तो तुम्हें ये क्यों लगा कि मेरे और उसके दरमियान में कुछ है? या पता है तुम्हें, मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरा स्टैंडर्ड इतना लो समझता है। खैर, अब इतना बुरा भी नहीं है। लगी ना, लगी ना तुम्हें? ऐसे ही नहीं लगती बेटा, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगी। अब देखना अम्मी तुम्हारा क्या हश्र करती है। मायरा, मायरा, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। और वैसे भी मैं दोनों खानदान में लड़ाई क्यों करवाऊंगी, और वो भी इतने फजूल बंदे के लिए। एग्जैक्टली, छिछोरा है ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुमने उसे कपड़े दिला दिए, उसे कपड़े पहनने आ गए, वरना तो 1990s का जोकर लगता था वो।